हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसमाज ऑल इन वन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ नान कटाई की रेसिपी, जो मार्केट से भी टेस्टी हम बनाकर रेडी करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखते होंगे कि हम मैंने एक बड़ा बाउल लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लेंगे सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मतलब यहाँ पर हमने लिया हुआ है 1 कप मैदा, 2 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून सूजी। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इन सबको अच्छी तरीके से मिलाकर हो चुका है। तो यहाँ पर हमने दूसरा बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम लेंगे 1/2 कप से भी ज्यादा घी, 1/2 कप। आप ऐसे भी ले सकते हैं। और इसके अंदर लेंगे हम शक्कर, हमने पीस कर ली हुई है वो, इन दोनों को हमने अच्छी तरीके से फेंटना है तब तक ये, जब तक ये पफी ना हो जाए। हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं पफी हो चुका है। फिर हम इसके अंदर लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने पहले से मिक्स कर लिए हैं। इसके अंदर हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेने थे, लेकिन ये बाउल थोड़ा छोटा है तो मैं इसको इसके अंदर ट्रांसफर कर लेती हूँ। और इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हमको इसको अच्छी तरीके से गूंद लेना है। आप देख सकते हैं इसको गूंदने के लिए थोड़ा सा हमको इसके अंदर दूध ऐड करना पड़ेगा। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसका अच्छा तरीके से डो बन जाए इस तरीके से गूंद लेना है। कभी कभार क्या होता है, घी से ही ये पूरा अच्छी तरीके से गूंद जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे अच्छी तरीके से गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा लेकर ही हम इसे गूंदेंगे। आप देख सकते हैं ये डो अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है। इसके अंदर हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून से कम ही दूध इसके अंदर ऐड किया है और इस तरीके से अच्छे तरीके से डो बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने ओवन के अंदर जो ट्रे होता है वो ट्रे लिया है, उसके ऊपर हमने बटर पेपर लेकर उसको घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम नान कटाई बनाएंगे। इसी तरीके से हमको ये
बनाकर लेने हैं। सारे हम इसी तरीके से बना लेंगे। यहाँ पर हमने सारे नान कटाई बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसके ऊपर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट चिपकाए हैं, ऊपर से रख दिए हैं। आप इसके स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही प्लेन भी बना सकते हैं। अब हम इसको ओवन के अंदर 180 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको 20-25 या 30 मिनट्स तक के लिए रख देंगे। हमने इसको नान कटाई को ओवन के अंदर डाल दिया है। अब हम इसको इसी तरीके से 25-30 मिनट के लिए ऐसे ही बेक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमारे टेस्टी और एकदम परफेक्ट सी नान कटाई बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं, देख कर कितने खस्ते नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही, आपको मैं एक तोड़कर बताती हूँ कितने परफेक्ट और खस्ते बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी खस्ते नजर आ रहे हैं और एकदम परफेक्ट और मार्केट से भी टेस्टी ये बनकर रेडी होते हैं। आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।